तो दोस्तों आज हम पहुंच चुके हैं एक और ऐसा छोटा सा गांव जो कमार जनजाति के लोग इस जगह पे ज़्यादा निवास करते हैं, और पहले के जैसे अब कमार जनजाति यहाँ पे अब नहीं है, क्योंकि अब देख सकते हैं किस प्रकार से घर आंगन देखने को मिलता है, रोड भी मस्त शीशी रोड भी है। क्योंकि पहले जो कमार जाति के लोग थे तो पहले जंगल में ही रहना अपन पसंद करते थे, लेकिन अभी के समय पर अब बदलाव तो धीरे धीरे आता जा रहा है, फिलहाल अच्छी बात है। और देख सकते हैं किस प्रकार से गाँव घर देखने को मिलता है और लोगों का अच्छा खासा आवागमन भी है। और इस वाले गांव में पूरा आपको जितने भी घर दिखाई दे रहे हैं सब यहां पे हमारे जनजाति के लोग ही यहां पे रहते हैं, देख सकते हैं यहां पे। और उतना ज़्यादा तो बदलाव नहीं हुआ, फिलहाल जितना होना चाहिए उतना भी काफ़ी है इतना। और देख सकते हैं सबका भी घर यहां पे बना हुआ है, किसी किसी का आवास योजना के तहत घर भी मिला हुआ है। तो चलते हैं दिखाते हैं अच्छा और क्या क्या चीज़ हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। लोग फिलहाल देख सकते हैं क्योंकि अभी कसके बारिश हुआ अच्छा, और देख सकते हैं गली वली इस प्रकार से पानी भरा हुआ है गली मोहल्ला में। और अभी हम पहुंचे हुए धमतरी जिला के से तकरीबन 50 किलोमीटर दूरी पर एक गांव है, ये गांव का नाम आपको बता देते हैं जो कि दुगली से लगा हुआ है। ये देख सकते हैं इस प्रकार से यहाँ पे देखने को मिलता है, ये काफ़ी अच्छा भी है। और इसी प्रकार से गली मोहल्ला है, और इधर का साइड देख सकते हैं ये वाले मोहल्ला में कीचड़, तो गली में यहाँ पे सीसी रोड बना भी नहीं हुआ है, अगल बगल बना हुआ है। तो चलते हैं आपको दिखाते हैं धीरे धीरे यहाँ का विलेज कैसा देखने को मिलता है, क्योंकि ये छोटा सा ब्लॉग मतलब रहेगा वीडियो फिलहाल। तो वीडियो को लाइक कर देना, भले चैनल को सब्सक्राइब करें या ना करें, अगर अच्छा लगे तो कर सकते हैं चैनल को सब्सक्राइब फिलहाल, तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। और देख सकते हैं यहाँ पे सब खेती किसानी फंसे हुए हैं और गैया को यहाँ पे बांध कर रखे हुए हैं बरसात में भी बाहर पे। तो ये है यहाँ का गांव का विलेज, आज के लिए बस इतना ही, तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो।